सो गाइस ये है स्प्लेंडर प्रो जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिया है एंड शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्लेंडर लोग क्यों लेते हैं, सबको पता है एवरेज के लिए लेते हैं। सो अभी आपको पता होगा दिल्ली मेट्रो जो है बंद है एंड बसेस चल रही है, बट बसेस से मेरा जाना होता नहीं है, काफ़ी लंबा रूट पड़ता है। सो मैं जो अपने RS से जाता हूँ वो आगे जो है RS भी खड़ी है एंड उस पर जो मेरा पेट्रोल लग रहा था अप्रॉक्स 250 रुपये का डेली का। सो इसीलिए जो मैंने एक सेकेंड हैंड OLX से परचेज़ करी है स्प्लेंडर प्रो, इसका मॉडल है 2014 एंड प्राइस भी मैं बताता हूँ कि कितने की पड़ी मेरे को। सो पहले बात करते हैं बाइक के ओवरव्यू के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का फुल्का सा ये पेंट उड़ जाता है जो, प्लस ऊपर की तरफ स्प्लेंडर पे जो है बंदे बैग वगैरह रख लेते हैं तो यहाँ स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है टेपिंग करी गई है। सो ये कुछ पता नहीं लग रहा, एक जो है मेन यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच है। तो टंकी के अगर इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक हल्का सा डेंट पड़ा हुआ है, बट ज़्यादा मेजर नहीं है, हल्का सा पता नहीं कैसे लगा होगा, बट पता भी नहीं लग रहा है देखा जाए तो, शायद आपको वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा। तो आते हैं गाइस सीट की तरफ, तो सीट जो है स्टॉक है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, जस्ट इसके ऊपर जो है एक सीट कवर चढ़ा हुआ है एंड यह यहाँ से हल्का फुल्का सा फट रहा है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड बात कर लेते हैं अब सारे बॉडी के पैनल्स के बारे में, तो जो टेल पैनल है उसमें जो है थोड़ा सा पुराना सा लग रहा है, बाकी मैं सोच रहा हूँ इसको शायद चेंज कराऊँ शायद ना कराऊँ, कन्फ्यूजन है। देन आते हैं इस साइड में, आते हैं इस वाले पैनल पे, तो ये वाला पैनल जो है चेंज्ड है, जो आफ्टर मार्केट मिलता है वो वाला पैनल है, बट कंडीशन जो है ठीक है, लॉक भी इसका ओरिजिनल जो उसमें लगता है जो बाइक में लॉक लगता है वही वाला जो इसमें लगा हुआ है, सेम उस साइड में भी है, उस साइड में भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। देन आते हैं हेडलाइट की तरफ, तो जो इसका मेन हेडलाइट पोर्शन है वो स्टॉक है, काफ़ी पुराना हो चुका है, हेडलाइट की रोशनी अच्छी नहीं आती उस वजह से। एंड जो इसका ये वाइज़र होता है, वाइज़र आफ्टर मार्केट है, काफ़ी नया डला हुआ है, मैंने चेंज नहीं कराया, ओनर ने जो है खुद से ही पहले करवाया होगा किसी टाइम पर, प्लस मडगार्ड भी चेंज है इसका। सो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया ये सारे पार्ट्स वगैरह। देन आते हैं इंडिकेटर्स पे, तो स्प्लेंडर के इंडिकेटर्स आपको पता ही होगा कि अगर थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता में चलाओ या हल्का फुल्का अगर लग भी जाए तो इंडिकेटर्स जो है टूट जाते हैं। देन आते हैं इस वाले पोर्शन पे, जो ये साइलेंसर के ऊपर कवर होता है ये भी नया डला हुआ ही लग रहा है, क्योंकि 6 साल में मुझे नहीं लगता इतनी साफ कंडीशन रह सकती है। सो ये भी जो है मेरे ख्याल से चेंज ही होगा। एंड अब आ जाते हैं व्हील्स के ऊपर, तो व्हील्स जो अभी जो है थोड़ा बहुत गंदा होगा, बट पीछे वाला व्हील जो है प्रॉपर ओके है, डेंट वगैरह कोई नहीं है, अलाइनमेंट आउट नहीं है, कुछ नहीं है, कलर वगैरह में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं फ्रंट वाले व्हील पे, तो इस व्हील में जो है ऐसा कोई डेंट या अलाइनमेंट आउट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें जो है कहीं कहीं पर फेविक्विक या एम सील वगैरह टाइप कुछ लगा हुआ है, या हो सकता है सीमेंट भी हो, तो ये दिखने में जो है गंदा सा दिख रहा है एंड ये वॉशिंग से नहीं गया है, ये थोड़ा रेगमाल से घिस के जो है मेरे को पेंट कराना पड़ेगा एंड साथ में शॉकर पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, सो इसका मुझे काम कराना पड़ेगा पेंटिंग का। सो गाइस बात कर लेते हैं टायर्स की, तो जो फ्रंट टायर है वो कम्प्लीटली ख़त्म है, सो ये मुझे चेंज कराना पड़ेगा। एंड बात करें अगर रियर टायर की, तो रियर टायर आप देख सकते हो MRF का है, काफ़ी अच्छी ग्रिप है एंड ऑलमोस्ट नए टायर डला हुआ है इसमें, तो ये चलो ये एक खर्चा तो बच गया मेरा। तो गाइस अब आते हैं इंजन की तरफ, सो इंजन में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट हाँ यहाँ आप देख सकते हो ये जो कि ये क्लच का पोजीशन होता है जहाँ से ये क्लच दबता है, यहाँ से जो हल्का हल्का ऑयल लीक है एंड इसके अलावा बाकी पूरा इंजन जो है प्रॉपर है, कहीं से ऑयल लीक वगैरह कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग से साउंड नहीं है, टैपिट साउंड नहीं है, नॉकिंग साउंड वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर रनिंग है इंजन। सो इंजन में एज सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आई है। एंड जो एक चीज़ मुझे स्टार्टिंग में लगी थी, मुझे लग रहा था कि एवरेज इसका काफ़ी कम है, स्टार्टिंग में मुझे एवरेज आ रहा था अप्रॉक्स 42-43 मतलब 42-43 के आसपास मुझे एवरेज मिल रहा था, बट मैंने कुछ वीडियोस देखी कि एवरेज कैसे सेट करते हैं, उस साइड में जो है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर का जो है एक स्क्रू होता है उसको आप अगर एडजस्ट करते हैं तो उससे आपका एवरेज सही हो जाता है, तो अभी जो है मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 50 की एवरेज तो आ रही है एंड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए अगर मैं एक्यूरेट इसको कैलकुलेट करूँ तो इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर से बना दूंगा कि 2014 मॉडल यानी काफ़ी ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर क्या एवरेज देती है।
सो गाइस मैं एक चीज जो आपको बताना भूल गया वो है इसका किलोमीटर डन। तो सो मीटर पे जो ये 54,000 चली हुई थी एंड उस टाइम पे जो मीटर का तार नीचे से हटा हुआ था सो मेरे ख्याल से 60,000 तो अप्रोक्स चली होगी। सो गाइस ये था पूरा वीडियो स्प्लेंडर प्रो के बारे में एंड ओनर आई गेस मैंने आपको बता दिया होगा फर्स्ट ओनर है बट बेसिकली देखा जाए तो सेकंड ओनर चला रहा था इसको बट आरसी पे फर्स्ट ही चढ़ा हुआ था। मैं जो हूँ इसका लीगली देखा जाए तो सेकंड ओनर होऊंगा। एंड अब बात कर लिया अगर कि अभी तक मैंने इस पर कितना खर्चा किया है तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट चीज़ है बाइक लेते ही मैंने जो करवाना था वो था इसका शीशा, क्योंकि शीशे इसमें नहीं थे। विदाउट शीशे के मेरे को चलाने में बड़ा अजीब सा लगता है, पीछे बिना देखे मोड़ लूँ मतलब रिस्की रहता है वो चीज़। तो मैंने पहले जो है शीशे लगा लिए प्लस मीटर की लाइट एंड पार्किंग लाइट जो होती है उसमें मैंने LEDs लगा दिए। बट इसका बहुत जल्द जो मैं आगे का फ्रंट हेडलाइट भी चेंज करने वाला हूँ। नाइट आई मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है H4 सॉकेट के साथ एंड इसमें H4 लगता है सो बहुत जल्द मैं इसमें वो भी फिट करूँगा। तो लग गया तो मैं आपको एक बार बाइक को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ इंजन की कैसी साउंड है। सो गाइज ये थी पूरी वीडियो स्प्लेंडर प्रो के ऊपर कि जो मैंने OLX से ली है 20,000 में। एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँ तो मेरे को पड़ी है 19,500 रुपये की एंड ट्रांसफ़र जो है ऑनलाइन अब हो जाता है तो ट्रांसफ़र के मेरे लगे हैं 380 रुपये एग्जैक्ट। सो अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ कि सेकेंड हैंड बाइक खरीदते टाइम आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेनली चेक करनी चाहिए सेकेंड हैंड बाइक लेने से सेकेंड हैंड बाइक लेते टाइम, सो आप जो कमेंट कर देना नीचे तो एक सेपरेट वीडियो उसके भी बन जाएगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में।